नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। शामली जनपद के सदर कोतवाली और आदर्श मंडी क्षेत्र में कुख्यात बदमाश संजीव जीवा के करीब 7 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। तो वहीं कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलुआ में कुर्क की गई जमीन को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर देखरेख के लिए दे दिया गया है। कुख्यात बदमाश संजीव जीवा के गांव आदमपुर में भी 21 बीघा जमीन पहले जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि शामली जनपद की बाबरी थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर निवासी कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलुआ में करीब 5.5 बीघा खेती की जमीन को और आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिटी की जाट कॉलोनी स्थित 1.25 बीघा आवासीय जमीन को SDM सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर ही कुर्क कर लिया गया। वहीं कब्जा की गई टोटल जमीन की वैल्यू करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक और सदर कोतवाली क्षेत्र की जमीन को ग्राम प्रधान के हवाले कर दिया गया, तो वहीं आदर्श मंडी क्षेत्र की जमीन को उच्च अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उक्त आरोपी ने आपराधिक मामलों से यह संपत्ति अर्जित की थी, जिसको कब्जे में ले लिया गया है और आगे भी इसी तरीके से बदमाशों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।